आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ रूल 36 सब रूल 4 में जो चेंज आया है उसको डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के कारण जीएसटी में बहुत सारे रिलीफ प्रोवाइड किए हैं। जैसा कि यदि आप गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड डेट तक GSTR 3B फाइल कर देते हैं तो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पर रिलैक्सेशन दिया है, और GSTR 3B लेट फाइल करने के कारण लेट फीस को वेव कर दिया है। आपके लिए एक और भी गुड न्यूज़ है, अब आप इनवाइस के बेस पर भी क्रेडिट ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है, यदि आपके पास में इनवाइस है परंतु वो 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो भी आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। परंतु ये क्रेडिट आप कैसे ले सकते हैं, इसकी क्या कंडीशन है, और ये क्रेडिट आप किस किस पीरियड तक ले सकते हैं, इसको जानने के लिए दोस्तों आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ये मेरा वीडियो। आप देख रहे हैं कंसल्ट वॉइस और मैं हूं राजेश कुमार खंडेलवाल, आपका दोस्त। सबसे पहले मैं आपको रूल 36(4) में जो अमेंडमेंट आया है उसको दिखा देता हूं। जैसा कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 30/2020 के थ्रू रूल 36 सब रूल 4 के अंदर एक प्रोविजो ऐड किया है। मैं आपके लिए प्रोविजो पढ़ देता हूं, मैंने इसे येलो कलर में हाईलाइट किया है। प्रोवाइडेड दैट द सेड कंडीशन शैल अप्लाई क्यूमुलेटिव फॉर द पीरियड फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई एंड अगस्त 2020 एंड द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर द टैक्स पीरियड सितंबर 2020 शैल बी फर्निश्ड विद द क्यूमुलेटिव कंडीशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द सेड मंथ इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन अबव। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये रूल 36 सब रूल 4 क्या कहता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या अमेंडमेंट आया है। रूल 36 सब रूल 4 ये कहता है, यदि आपके पास में कोई भी इनवॉइस है जिसका कि आप क्रेडिट ले सकते हैं परंतु वो आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आप केवल उतने ही अमाउंट का ITC ले सकते हैं जो कि आपका 2A में आ रहा है और वो एलिजिबल ITC है। टोटल 110% तक आप ITC ले सकते हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आपके पास में 1,00,000 रुपए के 2 इनवॉइस आए जिन पर 18,000 रुपए का टैक्स लगा हुआ है परंतु आपके 2A में केवल एक ही इनवॉइस रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहां पर आप, क्योंकि 2A में आपका केवल 18,000 रुपए का इनवॉइस रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप उसका 10% एक्स्ट्रा यानी 18,000 रुपए का 1,800 रुपए कुल मिला के 19,800 रुपए का आप ITC ले पाएंगे जबकि आपके पास में 36,000 रुपए के इनवॉइस हैं। आपके लिए गुड न्यूज ये है, अब आप यदि आपके पास में इनवॉइस है तो 2A से रिकंसिलेशन किए बिना भी आप 7 महीनों तक उसका ITC ले सकते हैं। ये 7 महीने कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया, मैं दोबारा आपको दिखाना चाहता हूं। फरवरी से लेकर अगस्त तक आपको रूल 36 सब रूल 4 के अंदर जो कंडीशन दी हुई है उसको ध्यान में नहीं रखना है, आप अपने इनवॉइस के बेस पे क्रेडिट ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने यह बोला है आप इन सभी महीनों का क्यूमुलेटिव रिकंसिलेशन करेंगे कौन से टैक्स पीरियड में, सितंबर 2020 के महीने के लिए जब आप अपनी GSTR 3B फाइल करेंगे, और इन सभी महीनों का क्यूमुलेटिव इंपैक्ट सितंबर 2020 की जो GSTR 3B जाएगी उसमें आपको लेना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है ये एक बहुत बड़ी राहत है। इस लॉकडाउन के समय में आपको 7 महीने के लिए इनवॉइस के बेस पर क्रेडिट लेना है परंतु इस कंडीशन को क्यूमुलेटिव फुलफिल करना है सितंबर 2020 की GSTR 3B जब आप फाइल करेंगे उस वक्त। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें।